अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बिल्कुल आपको इजी वे में जो है गाजर का हलवा बनाना सिखाने लगी हूँ। तो पहले ये था कि कद्दूकश करना और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो ये बिल्कुल इजी सा है, फ़ौरन बन जाता है। और कुकर में हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने 2.5 किलो गाजरें ली हैं, कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मैंने इतनी ली, इनको ऊपर से बिल्कुल साफ़ करके छिलका इसका उतार दिया है और वॉश कर लिए, ठीक है। इसको मैं छोटा छोटा काट के कुकर में डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। अच्छा, ये मैंने कुकर में डाल ली है सारी गाजरें जो भी थी काट के, और वॉश में इनको अच्छे तरीके से पहले काट लिया था। और पानी मैंने इतना रखा है कि बस गाजरें जो है ना वो सारी इसके बीच में डिप हो जाएं, ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं रखना ऐसे, कुकर यहाँ तक ऊपर तक है तो वो नीचे तक मैंने ना पानी रख लिया, ठीक है। तो अब मैंने इसको बंद करना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। अच्छा, मेरे माइंड में रह के ना मैं वीडियो बना रही हूँ, तो गाजरें बिल्कुल टेंडर हो गई थी, बिल्कुल गल चुकी थी। तो मैं उनको ना ऐसे ये लेके ना तो अच्छे से पीस रही हूँ। ये मैंने बाहर निकाल के पहले चेक की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल इतनी सॉफ्ट है ना, तो वो डन है, ठीक है। थोड़ी सी गाजरें जो मैंने बाहर निकाल दी है मुरब्बा बनाने के लिए, छोटा खाता था शौक से, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने ना एक कढ़ाई लिया है, फ्लेम को ऑन किया है और जो है ना प्योर देसी घी मैंने ऐड करने लगी हूँ। तकरीबन 5 स्पून में ऐड करूँगी, ठीक है। आप अपनी वैसे दूसरे घी में बना सकते हैं, लेकिन जो देसी घी होता है ना इसमें ज़रा मज़े का बनता है, तो मैं ऐड करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये सारा बिल्कुल मैंने बारीक बारीक कर लिया, मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। तो इसको निकालते हैं सारा जो है ना, मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। ये आपको ऐड करके ना उसको हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, ये मैंने ना अब सारी जो कैरेट है उसमें डाल दी है, मैं थोड़ी देर भूनना है। और तो देखिए इसका कितना प्यारा है रेड रेड सा। उसी साइड पे मैंने दूध रख दिया है, पका लेंगे इसको, थोड़ा घना हो जाए तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। साथ ही अब मैंने ऐड कर देनी है इलायची, ऐड करने लगी हूँ मैं। अच्छा, मैंने इलायची तो इलायची ना थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दी है, तो वैसे 2-3 भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इतना सा ही बहुत ज़्यादा हलवा नहीं है, नॉर्मल है ना साइज, मतलब नॉर्मल है क्वांटिटी में। तो मुझे वैसे इलायची पसंद है, उसको फ्लेवर तो मैंने थोड़ी ऐड कर दी, ठीक है। दूसरी साइड अब दूध देखेंगे बॉयल हो जाएगा, उसको घना हो जाएगा, फिर उसमें पाउडर डालेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो मैंने इसमें मिल्क जो था वो घना हो गया था वो डाल दिया था। मैंने इसमें ना कोई भी मिल्क पाउडर आप डाल सकते हैं, मैं 5 टेबल स्पून डालूँगी एवरी डे, ठीक है। तो अब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको इतनी देर पकाना है कि ये बिल्कुल सही से पक जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये बस पक रहा है और दूसरी साइड में ना मुरब्बा बनाने लगी हूँ। मेरा छोटा बड़ा शौक से खाता है, तो मैंने एक पैन था उसमें 2 गिलास पानी डालें और 2 ही गिलास चीनी के ऐड किया। अभी पक जाएगी, जो मैंने गाजरें बची हुई थी ना वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो साथ में मैं जो है ना इलायची ऐड कर देती हूँ। खुश हो गया है, काफ़ी देर लगी है और अभी भी थोड़ा सा है इसमें, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। मैंने 2 स्पून जो है देसी घी और डाला है। दूसरी साइड पे मैंने अपना जो है ना गाजर डाल दी थी शीरे में, तो ये पक रही है। हमारा मज़ेदार साग गाजर का मुरब्बा रेडी है और इसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो मैंने तो वैसे बनाया, मेरी बेबी को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए बनाती हूँ। तो अभी बस जो हलवा है वो बस रेडी हो रहा है, तो मैं आपको वो भी फाइनल लुक दिखाती हूँ। गाजर का हलवा है रेडी और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेक श्योर मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर। तो इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।